हाय एवरीवन, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि प्लाई बोर्ड को फिट कैसे करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में यही हम बताने वाले हैं कैसे फिट करेंगे। सबसे पहले आपको इस टाइप का आपको दिख रहा है, ये 4 इंच का ढलाई है। इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से सबसे पहले आप 4 इंच का इस तरह से पिलर को ढाल लेना है। स्टार्टर लगा के सेंटर लाइन निकाल के, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसे पूरा सेंटर लाइन निकाल के इस तरह से बेस लगा हुआ है। इस तरह से पहले सेंटर लाइन निकाल के पहले 4 इंची ढाल लेना है इस तरह से। उसके बाद जो 15 इंच का बोर्ड है दोनों साइड में इस तरह से लगाना है, दोनों इस तरह से, दोनों साइड से 15 इंच का बोर्ड जो है इस तरह से लगाना है। इस तरह से जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से दोनों से फेस रखना है। जो ढलाई किया हुआ है 4 इंची उसका फेस रखना है, इधर से भी इधर से भी उस साइड से भी इसी तरह से फेस रखना है। इस तरह से लगा देना है। नट इस तरह से लगाएं जैसे रड हम बनाए थे, इस तरह से लगाएं। जो ड्रिल किया हुआ छेदा है उसी में इस तरह से वाशर देके दोनों साइड इसी तरह से लगाएं। एल हमारा जो है इधर मुड़ जाएगा इस तरह से। यहाँ पर एक पलाई या पटरा जो भी है इस तरह से लगा दें। जो ड्रिल किया हुआ है उसे 1/2 इंच हटा के इस तरह से एक पलाई या कोई भी पटरा है उसको लगा देना है, ताकि जो हमारा ड्रिल है इस लकड़ी पर भार ना पड़े, इस पर यहाँ पड़े भार, इसलिए हमको इस तरह से लगा देना है एक पलाई या लकड़ी। उसके बाद हमको 11 इंच वाला जो 10 इंच वाला बोर्ड है उसको इसमें घुसाना है इस तरह से, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से घुसाना है पूरा सटा के इस तरह से। पूरा सट चुका है, अब इस साइड भी एक घुसाना है 10 इंची वाला उसी तरह से। इस साइड भी एक घुसाना है 10 इंची वाला, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पूरा इस तरह से अंदर घुसा देना है। उधर जाके वो पलाई में लग जाएगा इधर से। इस तरह से लकड़ी जो हम बनाए थे उसको आपको यहाँ लगाना है इस तरह से, इस तरह से यहाँ लगाना है लकड़ी को, इस तरह से लगाना है। नट को आप इस तरह से टाइट करें रिंच का मदद से दोनों साइड, हथौड़ी से उसको मार के पूरा जाम कर दें इस तरह से, पूरा अच्छी तरह से जाम कर दें हथौड़ी से मार मार के इस तरह से। नट भी टाइट कर दें दोनों साइड, इसी तरह से लगाएं। नट का एल जो है 2 उस साइड रहेगा, 2 इस साइड रहेगा इस तरह से। 2 हमारा जो है इस साइड है एल, जैसे इस साइड है, दोनों एल इस साइड है, नीचे का दोनों उस साइड है, फिर ऊपर का उस साइड रहेगा, सबसे ऊपर वाला फिर से इस साइड रहेगा एल हमारा जो है, इसी तरह से रहेगा। सब में ऐसे ही लगाते जाना है। और जो गुटका पटा हम लोग बनाए थे उसको भी इस तरह से लगाना है, इसको हथौड़ी से मार के सब टाइट करना है। और इसको भी, नट को भी इस तरह से पूरा टाइट कर देना है इस तरह से। इसी तरह से पूरा लगा देना है, जैसे आप देख रहे हैं 2 L हमारा जो है इस साइड है, 2 L उस साइड है, नीचे का भी उस साइड है, 2 इस साइड है। इसी तरह से आपको रॉड को लगाना है, सबको इसी तरह से लगा के जाम कर देना है। बोर्ड को सीधा रखने के लिए आपको इस तरह से काम देना है पटरा का, इस तरह से बोर्ड में मार के इधर कहीं भी बीम में या जोड़ाई में कहीं भी मार सकते हैं इस तरह से साबुल करके। इस तरह से साहुल करके इस तरह से पूरा साहुल में रख के इस तरह से यहाँ पटरा ठोक देना है, कांटी मार देना है अच्छे से। इस साइड से भी एक लगा देना है इसी तरह से, इधर से भी एको इस तरह से दोनों साइड से देना है एक एक टाना इस तरह से। इस साइड भी इस तरह से साहुल करके देख लें, पूरा साहुल में रख के इस तरह से, इस तरह से साहुल देख के इस साइड भी इसी तरह से ठोक देना है। इसी तरह से दोनों तरफ से एक एक टना दे देना है इस तरह से। अब हमारा जो है बोर्ड रेडी हो गया है ढालने के लिए। अब इसमें कितना भी घूमलेटर मारिए कुछ होने वाला नहीं है, बहुत ही मजबूती के साथ हो गया है। इसी तरह से आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा।